हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीटी 2023 की डिटेल स्ट्रेटजी के ऊपर कि क्या स्ट्रेटजी लगानी है आपको, अभी से आपकी पढ़ाई कैसे आपको करनी है। ठीक है, दिसंबर से लेके आपका ये मार्च तक का प्लान रहेगा। ठीक है, मार्च से बाद आपके सिर्फ टेस्ट चलेंगे, मार्च तक आपको पढ़ाई आपकी खत्म करनी है। अभी आप बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि बोर्ड्स की एग्जाम है, बोर्ड्स के लिए पढ़े या एमएसटी सीटी के लिए पढ़े, सब कंफ्यूजन क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। एमएसटी सीटी 2023 के बच्चों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ अपडेट्स नहीं तो मैं वहां पे डालता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर व्हाट्सएप नहीं चला तो इंस्टाग्राम पे पेज है, वहां पे फॉलो कर लेना, वहां पे पोस्ट आपकी आ जाती है। ठीक है, कुछ भी अपडेट रही तो वहां पे आपकी पोस्ट आ जाती है। आजकल लोग व्हाट्सएप से भी ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करने लगे, इसलिए इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। ठीक है, वहां पे भी आप कुछ डाउट रहा आप पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी बात करते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर कि क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए हमें दिसंबर से लेकर मार्च तक। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके चार महीने हैं आपके पास। चार महीनों में आपको एमएसटी सीटी की कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करके छोड़ देनी है। आप 1 अप्रैल से सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाओगे, अप्रैल का पूरा महीना टेस्ट सीरीज लगाओगे, मई में आपकी एग्जाम होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगी एग्जाम, मई में आपकी एग्जाम पकड़ के चलनी है आपको। अप्रैल का पूरा महीना टेस्ट सीरीज लगानी है, बिना टेस्ट सीरीज का आप एग्जाम देने जाओगे एग्जाम क्रैक नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। लास्ट 4 सालों से मैं एमएसटी सीटी गाइड कर रहा हूं। ठीक है, अनअकैडमी पे मैं आईटीजे के लिए पढ़ाता था, ये सिर्फ चीजें बतानी पड़ती है क्योंकि आप एमएसटी सीटी के 2023 के पहली बार ये वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, अभी तक 2022 के बैच के वीडियोस आते थे, लेकिन लास्ट 2-3 दिनों से 2023 के बैच के ऊपर वीडियोस आने लगे हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हो प्रोसेस पे। ठीक है, सारे आपके टेस्ट करा लूंगा, सब चीजें आपकी हो जाएगी, सिर्फ आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। मार्च तक आपको सब चीजें खत्म करनी है। मार्च तक चीजें कैसे खत्म होगी, देखो आपको प्रायोरिटी अभी बोर्ड्स को रखना है। ठीक है, जरूर प्रायोरिटी बोर्ड्स को रखना है। अगर आप सपोज मान लो बोर्ड्स का चैप्टर कोई पढ़ रहे हो, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन अगर आपने चैप्टर पढ़ा बोर्ड्स के लिए, तो एक चीज जरूर ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन की जितने भी एमसीक्यूज है सारे एमसीक्यूज लगा लेना। ठीक है, एक मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, एमएसटी सीटी में बोर्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वरना केमिस्ट्री में तो कुछ भी ट्विस्ट नहीं होता, एज इट इज आपका बोर्ड्स का जो बुक है आपका एचएससी का, एज इट इज वही आता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते, लाइन टू लाइन उठाते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होते। लास्ट 10 ईयर के पेपर्स में आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से लाइन उठाइए, फिल इन द ब्लैंक्स, वहां पे 4 ऑप्शन। ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है वहां पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया, एग्जैक्ट एचएससी बुक में सेम चीजें आपको मिल जाएगी, तो आपको बुक से बाहर से कुछ नहीं आने वाला, इतना तो आपके पास बहुत एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जेईई में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एमएसटी सीटी का ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ्स के लिए मैं मानता हूं ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी एमएसटी सीटी के क्वेश्चंस करने को, लेकिन एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री आप एचएससी बुक भी कर लोगे। ठीक है, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि उसी टाइप के न्यूमेरिकल आने, फॉर्मूला एक भी आपका बाहर से नहीं आने वाला, एचएससी बुक के अंदर के ही फॉर्मूले आने वाले, गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है, तो बुक से बाहर का कुछ नहीं आने वाला। प्रैक्टिस में मानता हूं मैथ्स में लगेगी, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल में थोड़ी लग सकती है, लेकिन आपको बोर्ड्स के साथ साथ ही वो चीज करनी है। केमिस्ट्री में तो एज सच आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो चैप्टर आप पढ़ोगे उसके एमसीक्यू लगा लो, कौन से बुक्स फॉलो करने उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आपको बुक्स की लिस्ट दी जाएगी, फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल कर दिए जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको जो भी चीज चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, रिसोर्सेस के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो आपको जो भी चैप्टर लिया साइड बाय साइड आपको उसके क्वेश्चन कर लेने, उस बुक से या उस पीडीएफ से, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो। मैं आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप में से बहुत सारे लोग अलग सर को जानते होंगे, फिजिक्स वाला को जानते होंगे, मैं खुद उनसे पढ़ा हूं यार, आप में से बहुत सारे लोग उनसे पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग के बाद अगर आपके गेट देने के सपने हैं, या आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपके गेट देने के सपने हैं, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो प्लेटफॉर्म के बारे में कि कौन से प्लेटफॉर्म से मुझे पढ़ना चाहिए ताकि मैं एक बेस्ट स्कोर करके एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लूं, तो आपके लिए फिजिक्स वाला एक रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म लेके आया यार, गेट वाला। ठीक है, गेट वाला में मिलेगा आपको बेस्ट रूट टू क्रैक गेट एग्जाम, आपके ईआरसी एग्जाम हो गए, पीएसयू एग्जाम्स हो गए, आपके इजरो एग्जाम्स हो गए, स्टेट लेवल एग्जाम हो गए, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, एक रूट मिलेगा आपको, ठीक है, ताकि आप एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सको। ठीक है, इंडिया के टॉप फैकल्टीज द्वारा पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, ड्रोना बैच से सारे फैकल्टीज होंगे आपके, जो कि इंडिया के टॉप फैकल्टीज माने जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ बैचेस की डिटेल देना चाहूंगा यार, जो पहली बैच है वो पराक्रम बैच है, ठीक है, जिसको बैच बी बोला जाता है, 2024 में जो गेट एग्जाम देने वाले होंगे उन बच्चों के लिए बैच है, 2024 में मतलब अभी वो बच्चे थर्ड ईयर में होंगे। ठीक है, जिसकी रेगुलर प्राइस होती है 5,999 रुपीज, लेकिन आपको अभी मिल रही है 4,999 रुपीज में। ठीक है, तो प्लीज आपको इस चीज को जरूर अवेल कर लेना है, यहाँ पे आपको पिक्स दिख रही होगी। ठीक है, दूसरी जो बैच है वो श्रेष्ठा बैच है यार, वो बैच बी कंसिडर होती है, वो 2025 के बच्चों के लिए बैच बनी है, 2 ईयर्स का कोर्स है। ठीक है, मतलब जो अभी स्टूडेंट सेकंड ईयर में पढ़ रहे होंगे उनके लिए वो बैच है। ठीक है, जिसकी प्राइस 7,999 रुपीज थी, लेकिन आपको यहाँ अभी मिलेगी सिर्फ 6,999 रुपीज में। ठीक है, जो बच्चे अभी 2023 में दे रहे होंगे अभी उनके लिए भी क्रैश कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, गेट वाला मेन चैनल पे आपके सारे क्रैश कोर्सेस अवेलेबल है, सब बच्चों के लिए, एमयू के बच्चों के लिए, ईसी के बच्चों के लिए, सीएस के बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए अवेलेबल है, प्लीज आप जाके चेक करना एक बार। ठीक है, आप वहां से
2023 में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और जो सबसे बढ़िया चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो अभी सुनो, ठीक है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, यहाँ पे जो कोड डिस्प्ले हो रहा है, ये कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 500 rupees फिर से ऑफ मिल जाएगा। मतलब जो ऑफ मिल रहा था आपको पहले, उसमें फिर से आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। इस ऑफर को आपको तुरंत अवेल कर देना है, नेक्स्ट 7 days के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। जो आपका 1000 rupees जो कम होने वाला था, वो सिर्फ नेक्स्ट 7 days के लिए कम होगा, इसलिए जल्द से जल्द आपको इस ऑफर को अवेल करना है, ठीक है। ये कूपन कोड जरूर यूज करना, 500 rupees आपको तुरंत वहां पे ऑफ मिल जाएगा, ओके। तुरंत हाथों हाथ आपको चीजें खत्म करनी है, तब जाके आपका मार्च तक खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि आप मार्च का महीना तो आप पढ़ोगे नहीं कुछ एमएससीसीटी के लिए, क्योंकि वहां पे तो आपको बोर्ड्स पे पढ़ना है। 3 ही महीने आप पकड़ के चलो, 3 ही महीने आपके पास, दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि मार्च एंडिंग में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। मार्च में आपके एग्जाम होंगे, तो प्लीज आपको साइड बाय साइड एमएससीसीटी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। क्रैश कोर्स चाहिए आपको, 15 लास्ट ईयर का क्रैश कोर्स रिन्यू किया है मैंने, ठीक है। नए टीचर्स द्वारा पढ़ाया है, ठीक है। 30-40 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब चीजें खत्म सिर्फ 30 घंटे में, ठीक है। वो चीजें मैं जल्दी ला के दूंगा आपको, इस वक्त आपको उस चीजों की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। इस वक्त आपको खुद को पढ़ना है, जनवरी 1 को वो कोर्स लॉन्च हो जाएगा, आपको वहां से आपको 30 घंटे में आप पूरा एमएससीसीटी का पढ़ लोगे, ठीक है। आगे की हर एक स्टेप में मैं आपके साथ रहूंगा, अब हर एक स्टेप के लिए प्लानिंग पहले से हो चुकी है। अभी के लिए याद रखना कि आपको पूरे दिसंबर महीना जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसका एमएससीसीटी के एमसीक्यूज आपको लगा लेना। फ्री में आपको एमएससीसीटी के फॉर्मुला शीट दी जाएंगे, हर चीज फ्री में दी जाएगी, ठीक है। फॉर्मुला शीट वगैरह जो भी मटेरियल है वो सब फ्री में मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्लीज आपको चैनल को कनेक्टेड रहना है, जो प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस को फॉलो करना है। ये स्ट्रेटजी का पार्ट 1 है, पार्ट 2 10 दिन में आएगा, पार्ट 3 10 दिन में आएगा, लेकिन हर दिन एमएससीसीटी के ऊपर एक वीडियो जरूर आएगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को भी बने रहना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना।